हेलो डेर स्टूडेंट्स हियर वी विल टेक द रिविजन ऑफ आर्टिकल्स सो वाट आर आर्टिकल्स एंड वेन वी यूज दियज आर्टिकल्स ओके सो सी हियर आर्टिकल्स कम्स बिफोर अ नाउन नाउन के पहले आर्टिकल्स आते हैं दे आर थ्री आर्टिकल्स वट आर दे अन द ओके नाउ वी विल स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ दिस थ्री आर्टिकल्स सो फर्स्ट नंबर आर्टिकल इज अ तो अ हम कब यूज करते हैं ना अ इज यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच बिगन्स विथ कॉन्सोनेट एक सिंगुलर नाउन होते हैं एक वर्ड होते हैं और उसके फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं तो हम उनके पहले क्या यूज करते हैं अ सी द एग्जांपल टेबल अ बुक अ टाइगर अ ट्री अ केक अटूडेंट्स पेटेंट हियर दर्ड्स ऑफ फर्स्ट लेटर ऑल द फर्स्ट लेटर एन बी ओके दीज आर द स्टार्टिंग सॉरी कॉन्सोन नाउ हियर इज यूजेस ऑफ एन एन हम कब यूज करते हैं ना एन इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच बिगन्स विथ भावल अगर मीन्स कोई सिंगुलर नाउन के मीन्स वर्ड कोई भी वर्ड अगर भावल्स भावल्स से शुरू होते हैं तो हम उनके पहले क्या यूज करते हैं एन तो भावल सर ए आई ओ यू यू नो ऑलरेडी सो एग्जाम्पल सी द एग्जाम्पल एन आई एन आइसक्रीम एन अम्ब्रेला गॉट इट डियर हियर इज़ वन नोट दैट इज यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट इफ़ द वर्ड बिगिनस विथ फावल साउंड एन लेटर शोज इन कंसोनेंट सो दे आर विल ऑल्सो कम एन अगर कोई वर्ड मीन्स कोई वर्ड वावल साउंड से शुरू होते हैं है ना और लेटर कॉन्सोनेंट शुरू शो करते हैं मीन्स दिखाते हैं कि ये तो कंसोनेंट है बट वावल का साउंड आते हैं तो उनके पहले आप क्या आते हैं एन लाइक एन आर एच इज़ अ साइलेंट लेटर तो हम इसको हवार बोलते हैं क्या नहीं हम क्या बोलते हैं आर बोलते हैं इनको हम होनेस्ट बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं हम इनको ऑनेस्ट बोलते हैं एच इज अ साइलेंट लेटर हियर वन अदर अनदर नोट इज इफ द वर्ड बिगिनस विथ हवल एंड स्टार्टिंग साउंड इज लाइक कंसोनाट सो देर कम्स ए अगर आप कोई भी वर्ड भावल से मीन्स वर्ड शुरू होते हैं और उनके कॉन्सोनट मीन्स स्टार्टिंग साउंड इज लाइक अ कॉन्सोनट तो वहां पे क्या आते हैं अ आते हैं जैसे अ यूरोपियन यू अ यूनिवर्सिटी अ वन रूपी नोट गॉट इट डियर नाउ हियर वी विल सी द यूजेस ऑफ द द सेकंड टाइम वी टॉक अबाउट द सेम नाउन सेम नाउन अगर हम एक नाउन के को सेकेंड टाइम यूज करते हैं सेंटेंस में तो उनके पहले उनके पहले क्या आते हैं द आते हैं सीधा एग्जाम्पल आई बॉट सम सम फ्रूट आई बॉट सम फ्रूट द फ्रूट फूट वॉज बैड ओके मैं कुछ फूट लाया हूँ बट वो फूट क्या है uh, फ्रूट्स क्या है ना बहुत ही खराब है के डी है यहाँ पे फ्रूट्स आएंगे सॉरी आई डिड नॉट पुट द एस बट यहाँ पे क्या आते हैं जैसे आई ब्रॉड सम फ्रूट्स द फ्रूट्स वेर बैड यहाँ पे वेर आएगा ओके okay? वाज नहीं आएंगे सो नंबर यूजेस ऑफ द इज द यूज बिफोर a स्पेसिफिक और पार्टिकुलर नाउन स्पेसिफिक और पार्टिकुलर नाउन मीन्स मीन्स स्पेशल नेम जैसे मीन्स बिफोर प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन हमने ऑलरेडी सीखा है तो प्रॉपर नाउन के पहले क्या आएगा द आएगा जैसे द गंगा द एस पी आई एस द स्काई ये सब के पहले द आते हैं आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड नाउ सी द अनदर मोर मीन्स टॉपिक इज दैट इज इज काइंड ऑफ सेंटेंस यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट सेंटेंस टेक अ शॉर्ट रिविजन दैट अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कॉम्प्लीट सेंस एक सेंटेंस क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कॉम्प्लीट सेंस शो so, करता है ओके okay, बनाता है सीधा एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल एवरी डे एग्जाम्पल क्या है आई गो टू स्कूल एवरीडे ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं यहाँ पे बट ये वर्ड्स एक टुगेदर hmm, आके एक क्या बनाया सेंटेंस बनाया नेक्स्ट देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने टाइप ऑफ सेंटेंस हैं फोर एसरेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस now here we will take the revision of so means uh, these four sentences in little okay so what is assertive sentences sentence now this sentence express a statement to tell a fact ये जो sentence है ये क्या करते हैं कुछ बरनन करते हैं express करते हैं statement को कुछ बताते हैं है ना तो ये sentence कौन सी अंदर में आते हैं

ये फर्स्ट बॉय है कौन सी क्लास का फिफ्थ क्लास का ये आर ऑल्सो कम द लास्ट में फुल स्टॉप गॉट इट डियर नाउ सेकेंड नंबर सेंटेंस इज दिस सेंटेंस ना इट ऑलवेज आस क्वेश्चन एंड एंड विथ क्वेश्चन मार्क ये जो सेंटेंस होते हैं ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं और किससे क्वेश्चन मार्क के मार्क से ये खत्म होते हैं ये दिस इज दिस इज द क्वेश्चन मार्क ओके सो सी द एग्जांपल व्हाट इज योर नेम ये पूछ रहे कि आपका नाम क्या है और लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क सेकंड नंबर में डू यू हैव एनी पेंसिल आपके पास कोई पेंसिल है क्या और लास्ट में क्या है लास्ट में है क्वेश्चन मार्क कैन यू सी हियर या देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन सेंटेंस इज इम्परेटिव सेंटेंस वाट इज दिस सेंटेंस ना दिस सेंटेंस एक्सप्रेसिस एन ऑर्डर और आर रिक्वेस्ट ये जो सेंटेंस होते हैं ये वाटर को शो करते हैं अदरवाइज आर रिक्वेस्ट को एंड इट ऑल्सो एंड्स विथ फुल स्टॉप और फिर लास्ट में क्या है क्या कैसे खत्म होते हैं ना फुल स्टॉप से खत्म होते हैं सी द एग्जाम्पल ओपन द डोर ये क्या शो कर रहे ऑर्डर शो कर रहे हैं एंड लेट मी गो होम ये यहाँ पे क्या शो कर रहे रिक्वेस्ट प्लीज लेट मी गो होम हम रिक्वेस्ट करते हैं ना जैसे अनदर एग्जाम्पल होते हैं कम इन प्लीज यहाँ पे भी आप रिक्वेस्ट चाहते हो है ना फोर्थ नंबर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिस सेंटेंस एक्सप्रेस अट्रॉन्ग फीलिंग ये जो सेंटेंस होते हैं ये क्या शो so करते हैं ना स्ट्रोंग फीलिंग्स फीलिंग्स मीन्स आपके अंदर की जो फीलिंग होते हैं है तो इट एंडस विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क व्हाट इज एक्सक्लेमेशन मार्क दिस वन इज अक्सक्लेमेशन मार्क ओके दिस वन सो सी ही दैट एग्जाम्पल व्हाट ब्यूटिफुल हाउस ये आपके आप एक हाउस को देखे हो और वो आपको बहुत अच्छे लगे हैं तो दैट्स वाई आप यू आर सेइंग दैट वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस और लास्ट में क्या दे रहे हो एक्सक्लेमेशन मार्क फिर hey, they, the man had died. एक है मैन हैड डाइड एक आदमी शांत हो गए हैं तो आप क्या बोल रहे हो हाई द मैन हैड डाइड so dear students i hope that you have understood about this topic also that sentence and the kind of sentence yes or no good now here is the another topic nouns and its types what is a noun a noun is a name of person thing animal or place yep. <clears throat> यहाँ पे नाम मीन्स नाउन होते हैं नेम मीन्स किसी के व्यक्तियों के नाम चीज़ों के नाम एनिमल्स के नाम और प्लेस के नाम जैसे एग्जाम्पल राम रिया पेन बॉक्स टाइगर हाउस पार्क सिटी ये सब क्या होते हैं नाउन होते हैं आपका जो नाम है खुद का नाम आपके पापा का नाम आपके मम्मा का नाम आपकी सिस्टर्स ब्रदर्स सबके नाम ये क्या होता है नाउन होते हैं पाप फादर इज ऑल्सो नाउन मदर इज ऑल्सो नाउन्स हम हर किसी को पापा बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते हैं ना तो ये ये आपका ये क्या हो गया नाउन हो गया नाउ सी द टाइप ऑफ नाउन्स देयर आर फाइव टाइप ऑफ नाउन्स कमन नाउन प्रॉपर नाउन कलेक्टिव नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैटेरियल नाउन्स ये क्या होता है फाइव टाइप्स ऑफ नाउन्स होते हैं नाउ वी विल सी or we will learn about each nouns so first of all common noun a noun that gives a common name of person place or things that, that noun called is a common noun एक नाउन होते हैं जो सिर्फ कॉमन नेम को बताते हैं है, है ना जैसे सीधा एग्जांपल जैसे कार ये कॉमन हो सकते हैं कोई भी कार हो सकते हैं जैसे डॉक्टर कोई भी डॉक्टर हो सकते हैं हमारे देशों में हमारी कंट्री में बहुत सारे ये होते हैं डॉक्टर्स होते हैं तो ये कोई भी ये कॉमन नम हो गया पार्क पार्क भी हमारे देशों के हमारे स्टेट के अंदर हमारे देश के अंदर बहुत सारे पार्क है ये कोई भी पार्क होते हैं तो देट इज कॉमन नाउन ना प्रॉपर नाउन सी हियर व्हाट इज प्रॉपर नाउन ना नाउन व्हिच मींस अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन ये नाउन जो होते हैं ये एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम बताते हैं स्पेशल नेम को बताते हैं तो ये होते हैं क्या होते हैं प्रॉपर नाउन के अंतर आते हैं जैसे एग्जांपल पे क्या है मुंबई हम भोपाल को मुंबई बोल सकते हैं क्या नहीं जो भोपाल है वही भोपाल है जो मुंबई है वो मुंबई है तो इसीलिए ये इनका पर्टिकुलर नाम है जैसे राकेश राकेश हम हर व्यक्ति को बोल सकते हैं क्या आपको मैं राकेश बोल सकती हूँ क्या नहीं आपका एक स्पेशल नेम है आपका एक पर्टिकुलर नाम है और राकेश जिसका नाम है वो राकेश उनका नाम है तो वो क्या हो गया पर्टिकुलर पर्सन हो गया और उनका स्पेशल नाम हो गया जैसे गंगा बहुत सारे रिवर्स है हमारी कंट्री में ये सुनो हमारे देशों में है ना तो ये गंगा किसी को हम गंगा बोल सकते हैं अच्छा आपकी उधर पास में जैसे मंडलेश्वर के पास में जो रिवर बहते हैं उनको हम गंगा गंगा बोलते हैं क्या नहीं बोलते उनको कौन सी रिवर बोलते हैं या नर्मदा बोलते हैं है ना तो न, नर्मदा ब्रम्हपुत्र या ना यमुना बहुत सारी नदियाँ हैं है, है कि नहीं है तो उनका पर्टिकुलर नेम होते हैं इसीलिए वो प्रॉपर नाउन के आते हैं अब संडे संडे हाउ मेनी डेज इन ए वीक सेवन डेज संडे मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे एंड फ्राइडे तो हर दिन की मैंने हमने पर्टिकुलर नाम दिया है जैसे संडे है तो वो संडे संडे को नान ऑफ द मैन कैन से दैट मंडे तो ये हो गया क्या है पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन क्या आते हैं तो एटसेट्रा नाउ रिमेंबर प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल नाउन ये आपको ये जो लाइन है ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी लेटर मीन्स कोई भी वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है तो वो आप समझ लेना और नाउन नैम शो करते हैं तो वो आप यू हैव टू अंडरस्टूड दैट दैट इज कम्स अंडर द प्रॉपर नाउन ओके नाउ सी थर्ड नंबर नाउन वट इज दिस ना कलेक्टिव नाउन ओके दिस नाउन शोज द कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स ये नाउन क्या शो करते हैं कलेक्शन मीन एक साथ में शो करते हैं पर्सन को और थिंग्स को जैसे पीपल पीपल बहुत सारे लोग जैसे मेले में एक साथ लोग बहुत इकट्ठे हो जाते हैं तो आप कितने लोगों को गुन गिन गिन सकते हो काउंट कर सकते हो क्या नहीं इतने लोगों को कैसे काउंट करोगे तो आप डायरेक्टली यू कैन से दैट पीपल टीम टीम मीन्स टीम में भी बहुत सारे मीन्स पर्सन हो सकते हैं है ना तो ये वो आप क्या बोलोगे डायरेक्ट टीम फिर कमिटी कमिटी में बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं है ना आर्मी आर्मी में भी बहुत सारे सोल्जर्स हो सकते हैं इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी फीलिंग आइडिया और इवेंट ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं क्वालिटी होते हैं फीलिंग्स होते हैं हमारे अनुभव होते हैं आइडिया मीन्स आपके सोच हो सकते हैं और इवेंट इनका भी कुछ नाम आते हैं जैसे और रिमेंबर दिस नाउन वी कैन टच और सी ये जो नाउन होते हैं ये हमको ये हम, हम छू भी नहीं सकते और क्या नहीं कह सकते उसको देख भी नहीं सकते ओके बट वी कैन ओनली फील एग्जाम्पल क्या है ब्रेवरी साहस ओके okay. आपके अंदर कितने साहस है सैड दुख सैड आप कितने सैड हो ये हम देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते हैं हम छू सकते हैं क्या नहीं सूख सकते बट दिस इज ऑल्सो नाउन इट इज कम्स अंडर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्ट एटसेट्रा नाउ फिफ्थ नंबर इज मैटेरियल नाउन इट इज़ अब्सट सब्सटेंस और फॉर मेकिंग थिंग्स ये क्या होता ये सब्सटेंस होते हैं है ना ये सब्सटेंस होते हैं और मेटेरियल होते हैं जो हम थिंग्स बनाने के लिए यूज करते हैं जैसे ग्लास सॉरी ग्लास मिल्क cotton gold etc these, these comes under the material so dear students i hope that you have understood about nouns and types of nouns so do revision of these topics again and again and prepare yourself for the giving exam thank you very much have a good day